हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम PNG कंपनी में आई हुई जॉब की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक देश की जानी मानी कंपनी है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मैं इसका जो छोटा सा एक आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, एरियल, हेड एंड शोल्डर, ट्राइड और जैसी और भी के जो प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी में बनाए जाते हैं, तो यहीं पर ही आप लोग की भर्ती की जाने वाली है। और ये जो PNG कंपनी के इंडस्ट्रियल एरिया मंडीडीप के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि जिन कैंडिडेट लोगों का 10वीं के बाद में ITI कम्प्लीट हो चुका है, तो वे इनकी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन ही रखा गया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर जो आपको सैलरी CTC के रूप में 15,000 के आसपास में बताया जाएगा, लेकिन जो आपको सैलरी 13,000 के आसपास में दी जाएगी। और कंपनी में कई और सुविधाएं भी आपको मिलने वाली है, जैसे कि लंच और डिनर आपका फ्री रखा गया है। और अगर आप जो ज़्यादा ओवर टाइम करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो आपको 103 रुपये पर आवर्स के हिसाब से पे कर दिया जाएगा। और भी कई जो सुविधाएं हैं और जानकारी जो कि इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। एक और बात, अगर आप इस जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का नेम मैंने आपको बता चुका है, और ये एक होम प्रोडक्ट मेड कंपनी है। और ये इसका जो इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप में जो कारखाना स्थापित है, यहीं पर ही आपकी भर्ती की जाएगी। और अब रिक्वायरमेंट जो देखें कौन से डिपार्टमेंट में होने वाला है, तो आप देख सकते हैं दो डिपार्टमेंट है, एक पहला प्रोडक्शन का है और दूसरा मेंटेनेंस का है। तो आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपको दोनों डिपार्टमेंट में कोई एक में पोस्टिंग दी जाएगी। और जो पोस्ट रहेगी आपकी, शुरुआत में तो अप्रेंटिसशिप रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अप्रेंटिसशिप करने के बाद में वहाँ से निकाल दिया जाएगा। कंपनी बोल रही है आफ्टर सम टाइम अकॉर्डिंग टू कंपनी रेगुलेशंस यू मे बी परमानेंटली पोस्टेड, यानी कि आपको बाद में परमानेंटली पोस्टेड किया जा सकता है कंपनी के रेगुलेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करें, तो 10वीं के बाद आपका ITI पास होना चाहिए, और अगर आपका NCVT से हो या फिर SCVT से, तो दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड के बारे में देखा जाए, तो जिन कैंडिडेट लोगों का ITI, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से कम्प्लीट हुआ है, तो वे लोग यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और पासिंग आउट ईयर आप देख सकते हैं, 2017 से 2020 के जो बीच में कैंडिडेट रहे हैं पासिंग आउट ईयर वाले, वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी का स्ट्रक्चर देखा जाए, तो CTC आपको 15,000 के आसपास में बताया जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। और लेकिन जो आपको 13,000 के आसपास में सैलरी इन हैंड में दी जाएगी। अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ के बारे में देखें, तो लंच और डिनर आपका फ्री रखा गया है। और अगर आप ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे यहाँ पर, तो 103 रुपये पर आवर्स के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। और एज लिमिट के बारे में देखें, तो मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 28 साल। तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो 25 साल के प्लस में मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे हमारे लिए भी बनाइए, तो ये आप लोग के लिए आ चुका है, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और जो कुछ स्किल्स बताई गई है यहाँ पर जो कि आपके पास होना ज़रूरी है, वो है बेसिक इंग्लिश आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म डालने की, वो है 30 अगस्त। तो चलिए हम फॉर्म पर भी आएंगे। इसके पहले मैं देख लेते हैं जॉब की लोकेशन जो रहेगी आपकी, भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाली है। और आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चलते हैं, तो मैं इसका लिंक जो आपको नीचे में दे दूंगा, आप नीचे में जा करके क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा, form.office.com, ये इनकी जो वेबसाइट है। और यहाँ पर जो अपने आपको बेसिक से कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब आपको डाल देना है, IU डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना है, और ये सब जो आपको अच्छे से फिल करना होगा। और यहाँ पर जो अपना अपना जो है ITI डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ITI के बेस पर रखा गया है। और जो भी आपका रहा हो NCVT या फिर SCVT, यहाँ पर आप डाल दीजिए। और फिर अपना जो पासिंग आउट ईयर डाल दीजिए, 2017 है या फिर 20 है, जो भी है। अगर आप एयर भी हुए हैं तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नोवा ऑप्शन है, इसमें आप अच्छे से पढ़कर यहाँ पर यस या फिर नो पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो कुछ और फॉर्म खुल जाएंगे और भी जो कुछ क्वेश्चन है। लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर्म नहीं भरा है, इसलिए ये जो कुछ एरर बता रहा है। तो आपको जब फॉर्म डाल देंगे, तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में जो फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ और पूछना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।